चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बस बाकी निशा होगा। और आज हमारे देश का जश्न आज़ादी, देश का स्वतंत्रता दिवस, 74वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी उमंग और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यद्यपि इस बार कोरोना का संकट है, लेकिन फिर भी दिल में उमंग है, जज्बा है। और विगत दिवस से ही चाहे देश की राजधानी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, जगह जगह सुरक्षा की दृष्टि से चेकिंग अभियान शुरू कर दिए गए। और मुजफ्फरनगर के अंदर भी देख सकते हैं कि जहाँ भी शहीद स्मारक हो वहाँ पर भी विशेष व्यवस्था की गई है। पुलिस का गश्त लगातार बाजारों में नजर आया और सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति की तलाशी ली गई है, जगह जगह चेकिंग ली गई है कि कहीं कोई भी किसी प्रकार की चूक ना हो जाए। और आज प्रातः 8:30 बजे से राष्ट्रध्वज फहराना शुरू हो जाएगा और हमारे देश का जो जश्न आज़ादी है वो बड़ी उमंग और जज्बे के साथ हम मनाएंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव को गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। के लिए अभिषेक यादव द्वारा विशेष अभियान चलाया, इसके इंस्पेक्टर नासिर अली को भी सम्मानित किया जाएगा। 74वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शकील अहमद, DSP जानसठ को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस है हमेशा आपके साथ, सभी को शुभकामनाएं। दीपक चतुर्वेदी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जानसठ। और देश में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, चाहे देश की राजधानी हो, उत्तर प्रदेश की राजधानी हो, चाहे कोई भी शहर हो, लगातार कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। यद्यपि प्रमुख जिलों के अंदर हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है, जगह जगह चेकिंग अभियान चल रहा है, लेकिन जहाँ भी चेकिंग हो रही है वहाँ पर कोरोना के मामले निकल रहे हैं। आप देख सकते हो तस्वीरें जहाँ पर चेकिंग अभियान चल रहा है। सब पूरी तरह मुस्तैद है और स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर अशोक, CSC प्रभारी अधीक्षक जानसर के समस्त निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि सभी क्षेत्रवासी उत्तरोत्तर सुरगत के सर हों, उन्नति करें और क्षेत्र से राग देश विषमता ये सारी चीज़ें दूर हो जाएं, लोग प्रेम भाव से रहें, किसी के प्रति कटु भाव न रखें, राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाए रखें और उसको बनाए रखने हेतु समुचित प्रयास करें। यही मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि सब लोग कुशलतापूर्वक अच्छे तरीके से त्यौहार मनाएंगे और भी जो त्यौहार हैं वो भी प्रेमपूर्वक। बार संघ जानसठ की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ज्ञानचंद सैनी सचिव और प्रदीप गर्ग अध्यक्ष। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं अपने नगर के समस्त निवासियों को, समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपने नगर को साफ सफाई, सड़क, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, कोविड से बचाव, इन समस्त चीज़ों के संबंध में जितने बेहतर किए जा सकते हैं हमारी पूरी नगर पंचायत की टीम, समस्त जनप्रतिनिधि हमारे, समस्त सभासदगण मेरे और आदरणीय चेयरमैन साहब, सारे लोगों का प्रयास है कि नगर में हर व्यक्ति स्वस्थ और जिन सबके अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए बेहतर एक प्लेटफॉर्म तैयार हो। कोई कोविड की बीमारी इसमें वर्तमान में ज़्यादा व्याप्त है, हमारी पूरी टीम का प्रयास ये है कि ये बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमण को रोका जाए, कोई भी नगर में बीमार ना हो, उसके संदर्भ में रेगुलर सैनिटाइजेशन, साफ सफाई और कीटनाशक के इस्तेमाल से रोगों पर प्रभावी नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ नगर पंचायत के समस्त निवासियों का व्यापक सहयोग भी है और उनके सहयोग का ही नतीजा है कि कोविड के क्षेत्र में, कोविड बीमारी में मैं काफ़ी अच्छी स्थिति, मतलब कोई इतना ज़्यादा केस हमारे यहाँ नहीं आया। जिन लोगों के दुर्भाग्य से पॉजिटिव केस भी आए वो सब कुछ सारे लोग ठीक ठाक हैं, कहीं कोई गंभीर बीमारी के शिकार नहीं हुए और उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग हमारे नगर में स्वस्थ रहेंगे
और इसी के साथ मैं नगरवासियों से ये भी अपील करूंगा कि नगर पंचायत की जो भी दिशा निर्देश या जो भी अपील है उनके लिए, मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए पॉलीथीन थर्माकोल का इस्तेमाल न करें। दूसरी चीज़ ये कि वृक्षारोपण किए गए हैं नगर में, वृक्षों की सुरक्षा के संबंध में मैं उनके सहयोग की अपेक्षा करता हूँ, और मेरा ये प्रयास है कि इस नगर को जितना से बेहतर सुंदर बनाया जा सकता है, पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकता है, उसके लिए हम लोग पूरी तरह तत्पर हैं। करों के भुगतान के संबंध में भी मैं अपील करूंगा कि सारे नगरवासी जो भी कर नगर पंचायत द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनका समय से भुगतान करें। इन्हीं समस्त अपील और शुभकामनाओं के साथ मैं नगर पंचायत के समस्त वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नगर पंचायत जानसठ के अंदर कर्मचारियों की समस्या जानने के लिए और अपने विचार उनके साथ साझा करने के लिए निगरानी समिति की सदस्य कविता पहुंची, देख सकते हैं वो तस्वीरें। पर विनोद कुमार शुक्ला अधिशासी अधिकारी भी मौजूद रहे, उन्होंने अपने विचार भी साझा किए, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसा कि तमाम इस बैठक के बीच में बात हुई समान कार्य समान वेतन, देखो पैसा आएगा सरकार का, पैसा मिलेगा संबंधित कर्मी को जो मेहनत किया है, तो उसको जो उसका मूल्य है मिलना चाहिए। सफाई कर्मचारियों के नेता भी मौजूद रहे और स्थानीय तथा जिला नेताओं ने खास तौर से अपने विचार व्यक्त किए और कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं की मांग नगर पंचायत ने की और शासन को जाने का आश्वासन भी दिया। वहीं दूसरी ओर जिला महिला चिकित्सालय में पीसीवी वैक्सीन का शुभारंभ उमेश मलिक विधायक द्वारा किया गया। इस दौरान वहाँ पर अधीक्षक मौजूद रहे, डॉक्टर प्रवीण चोपड़ा भी मौजूद। जनपद मुजफ्फरनगर में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले सीओ हरीश भदौरिया को एएसपी लखनऊ बनाया गया है। उनका भावभीनी उनको विदाई दी गई। व्यापार मंडल और दूसरे संगठनों द्वारा उनका स्वागत किया गया, विदाई दी गई। स्वतंत्रता दिवस पर शराब के ठेके रहेंगे बंद, जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जय ने दिए आदेश। भांग की दुकानें भी रहेंगी बंद। वहीं प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार का आयोजन करने के लिए मीडिया सेंटर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर सुखबीर को जिला अध्यक्ष बनाया है, जो धर्मवीर समुद्र सूर्यवंशी हैं, क्षेत्रीय प्रबंधक इस संगठन के, उन्होंने उनको बनाया है। उन्होंने खास तौर से मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता करते हुए क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना का जन जन को जनता में लाभ मिलना चाहिए, जो कि लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री की जन कल्याण कौन कौन सी है। कागजों में जन कल्याण योजना सब कुछ चल रही है, लेकिन जनता को नहीं पता। जनता तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना द्वारा ये जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जा रही है। तो मुजफ्फरनगर जिले के जो जिलाध्यक्ष हैं वो सुखबीर सिंह सिलकनी वालों को आज अनुरोध किया जाता है जिला मुजफ्फरनगर। आप क्या मानते हैं, जितनी योजनाएं अब तक चल रही हैं उनका सही क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसा है, ये जो योजना चल रही है इसके बारे में लोगों को कुछ नहीं पता है और कागजों में कार्रवाई चल रही है, लेकिन पब्लिक को नहीं पता। मतलब आपके अधिकारीगण जो है पूरी तरह से मिसयूज कर रहे हैं इसका, मिसयूज कर रहे हैं और जनता को नहीं, उसकी जानकारी देने के लिए पब्लिक को ये जन कल्याण योजना बनाया गया है, जिससे कि प्रसार प्रसार हम पब्लिक में करेंगे तो पब्लिक को पता चलेगा, पब्लिक अपना अधिकार मांगेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपकी योजना है, बहुत अच्छी है, अच्छी तरह जानता हूँ। ग्राम योजना है, शहरी योजना है, शहरी योजना है, क्या शत प्रतिशत लाभ मिल रहा है पात्रों को? शत प्रतिशत लाभ नहीं मिल रहा है। इसके लिए क्या करेंगे अब आप? हम अधिकारियों की जाकर के फाइलें देखेंगे, नाम लेंगे, लिस्ट लेंगे, उसमें अगर कोई लाभार्थी को लाभ मिला वो फाइनल है, जिसको नहीं है उसके हम कार्रवाई करेंगे ऊपर। हम ऐसे भी आपने, चलिए ये तो आपने कभी बताई अधिकारियों की, लेकिन ऐसे भी हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रों के आवास आवंटित हो गए हैं, उनकी योजना, उनकी प्रथम किस्त भी आ गई है,
उनके मकान टूट गए हैं लेकिन उन्हें दूसरी किस्त का अब तक लाभ नहीं मिला है और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, ऐसे के लिए क्या करेंगे आप? हम इसके लिए फिर दोबारा यही कहूँगा कि हम फिर दोबारा से ये आपसे कहूँगा कि जिसका लाभ पब्लिक को नहीं मिल रहा, जनता को नहीं मिल रहा, हम ये योजना उसके लिए ही बनाई गई है, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कानून कार्रवाई कराई जाएगी। नहीं, जिन पात्रों को मिल भी गया है योजना का लाभ लेकिन उनकी किस्त नहीं आई अभी तक, तो वो भी तो भ्रष्टाचार ही है वो भी, तो उसे करा रहे हैं जल्दी आप कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। हम जन जन के पास जाएंगे, जो हमें हमारे पास में बताएंगे कि हमारा ये समस्या है, जो हमारे अधिकार में आ रहा है, हम उसके लिए जन जन तक पहुँचा करके लाभ दिलाएंगे। ठीक है, चलिए। मैं धर्मवीर समुंदर, क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश SC ST, सभी क्षेत्रवासियों को प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रसार प्रचार अभियान की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी का आभार व्यक्त करते हुए सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। जनपद मुजफ्फरनगर की अति महत्वपूर्ण जिला बार एसोसिएशन में चुनाव की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का एक ग्रुप धरने पर बैठ गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मौजूदा अध्यक्ष सेक्रेटरी द्वारा चुनाव को टाला जा रहा है और एल्डर कमेटी को चार्ज भी नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें जहाँ पर बैठे हैं ये अधिवक्तागण और मांग कर रहे हैं कि चुनाव शीघ्र हो। वहीं दूसरी ओर जब इस बाबत जो महासचिव हैं खासतौर से जिला बार संघ के प्रदीप मलिक, उनसे भी इस बाबत जब वार्ता की गई तो उन्होंने साफ कर दिया है कि उनको BCI का जो है स्टे मौजूद है और प्रभावी है, जो आप एक ग्रुप बता रहे हैं ऑफ इंडिया का जिसकी बाबत चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, इससे वैकेट करा दिया जाएगा, उसी वक्त चुनाव करा दिए जाएंगे। क्या कहा और उनके जमे होने के कारण जो पिछली हमारे कार्यकारिणी थी उन्होंने एक जांच कराई थी, उस जांच में उन्होंने जो जांच कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की और इस विषय में अगर चार्ज की कोई बात होती तो हम उन्हें चार्ज भी देते, वो चुनाव कराते, लेकिन अगर वो 14 मई तक चुनाव नहीं करा पाए, हम रेजिस्टेंस में बतौर बने हुए हैं और हम भी चुनाव चाहते हैं, जल्दी से जल्दी चुनाव चाहते हैं, बार काउंसिल इंडिया का आदेश आ जाए, ये अपना स्टे वैकेट करा लें, हम तुरंत चुनाव चाहते हैं। बहुत बहुत बार संघ के अध्यक्ष नसीर हैदर काजमी और महासचिव प्रदीप मलिक ने समस्त जनप्रतिनिधियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। महासचिव जिला बार संघ मुजफ्फरनगर, मेरी ओर से, समस्त बार की ओर से, पूरे देशवासियों को, समस्त अधिवक्ताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा एक निवेदन और है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बहुत ही सचेत रहकर अपना काम करें। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मवीर समुद्र सूर्यवंशी ने क्या कहा, इसका विस्तृत रिपोर्ट अगले एपिसोड में जरूर देखिएगा आरिफ शीश महली के साथ। मैं सुखबीर गोस्वामी, जिला अध्यक्ष, और मेरी ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमांशु त्यागी की ओर से भी समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद पत्रकार वीके त्यागी की ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उरूज अब्बास, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर, तमाम जनपद वासियों, देशवासियों को राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सुरेंद्र पाल सिंह, एडवोकेट, प्रत्याशी, MLC, स्नातक, मेरठ खंड, अपनी ओर से समस्त अधिवक्ताओं व स्नातक वोटर्स को तथा समस्त प्रदेश के देशवासियों को अपनी ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैं जय सिंह की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वन विभाग के इंस्पेक्टर मनोज कुमार भोगंडी ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है, तो भाजपा के वरिष्ठ नेता ब्रजेश रस्तोगी की ओर से भी शुभकामनाएं, वहीं राजीव गुप्ता मंडल अध्यक्ष भाजपा द्वारा भी हार्दिक शुभकामनाएं, और खतौली विधायक विक्रम सैनी ने भी समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश की हैं। स्वतंत्रता दिवस बड़े
उमंग के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह राष्ट्रध्वज भी फहराने शुरू हो गए और राष्ट्रध्वज फहराकर परंपरागत रूप से ये मनाया जाएगा। लेकिन कोरोना काल है, कोरोना का संकट है, जनपद मुजफ्फरनगर में भी मामले बढ़ रहे हैं और जानसठ तहसील है वहाँ भी मामले हैं। खासतौर से जो कोतवाली है उसके अंदर भी 3 संक्रमित मामले मिले हैं और एक प्रोविजन स्टोर के स्वामी को भी आज विगत दिवस होम क्वारंटीन किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो तस्वीरें की लगातार चेकिंग अभियान जारी है, चाहे शकील अहमद डीएसपी का नेतृत्व हो, चाहे अफसर अली, आप देख सकते हैं दीपक चतुर्वेदी की टीम लगातार गश्त कर रही है। बने रहिएगा मेरे साथ, आरिफ चीफ एडिटर बारोल बैच न्यूज़ टुडे। अल्लाह। We'll be right back.